हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ सैंगर स्वागत करता हूँ अपने चैनल एसएस सैंगर पर। आज मैं आपको एसएससी सीजीएल के कट ऑफ के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ, जिसको मैंने रैंक आईक्यू की बेस्ड पर बनाया है। ठीक है ना, रैंक आईक्यू को एनालिसिस कर तरीके से तब बनाया है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है और क्या क्या, पूरे डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको। तो पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लें। जो वैकेंसी बढ़ गई है, पहले अप्रोक्स 21,000 के समथिंग थी, अब बढ़ के वो 37,000 के समथिंग हो चुकी है, तो उसके बारे में भी देखते हैं। तो पहले टोटल वैकेंसी लगभग कितनी हो गई है, 37,000। इसको कैट कैट कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं अपन, तो 16,000 के समथिंग तो जनरल जनरल कैंडिडेट को पढ़ने वाली है। ओबीसी को 8,000 के समथिंग पढ़ने वाली है। ईडब्ल्यूएस को 3,500 से 4,000 के समथिंग ईडब्ल्यूएस को पढ़ने वाली है। एससी वालों को और एसटी वालों को 6,000 और 3,000। इस तरह से वैकेंसी डिटेल है। ठीक है, अब जैसे एसएससी का पैटर्न रहा है, वो हर टाइम वो 10 से 12 गुना लड़कों को बुलाती है मेंस के लिए, तो इससे दस इसका 10 गुना करके मिनिमम लेके भी चले, इसका 10 गुने से कितना बनना है, 3,70,000 के समथिंग लगभग। कितने बनना, 3,70,000 के समथिंग कैंडिडेट वो है जो मेंस के लिए अफेयर होंगे, जो मेंस में बैठेंगे। अच्छा, जो 3 3 साढ़े 3 लाख लोगों का पेपर कराने में, एक शिफ्ट में पेपर तो होने से रहा, उसके लिए कम से कम 4 से 5 शिफ्ट या फिर 3 दिन तो पेपर चलेगा ही चलेगा। और पर डे 2 से 3 शिफ्ट भी हो सकती है, तो कम से कम मान के चलो 6 शिफ्ट होंगी, और 6 शिफ्ट होंगी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अगर 6 शिफ्ट होंगी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। ठीक है ना, अब देखते हैं इसमें पर सीट कॉम्पिटिशन कितना बनना है अपना, तो टोटल अटेंडेंस कितनी हो सकती है अपनी इसमें। तो डाटा के हिसाब से बताया जाए लगभग 16 लाख के समथिंग टोटल अटेंडेंस रही थी इसमें, मतलब 40% या 45%, 45% मान के चले तो 16 लाख के समथिंग इसमें अटेंडेंस रही थी। टोटल वैकेंसी अपनी बढ़ रही है 3,70,000। ठीक है ना, तो पर सीट कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है 4 कैंडिडेट मात्र, मतलब 4 कैंडिडेट पढ़ रहे हैं एक सीट पर, कितना कम कंपटीशन है इसको देख के चलिए। तो 4 कैंडिडेट एक सीट पर पास करना है, मतलब अपने आप को। तो 4 कैंडिडेट के लिए इस हिसाब से आप चीज सोचे कि कट ऑफ बहुत हाई आ सकती है, पेपर का लेवल इजी था, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कॉम्पिटिशन भी बहुत कम आ रहा है। ठीक है ना, तो देखते हैं किस तरह क्या कट ऑफ रह सकती है, उसको आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए, कट ऑफ के बारे में जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट वाइज एवरेज स्कोर क्या रहा था, मतलब गुड अटेम्प्ट क्या रहा था लड़कों के। और तो देखिए, जो इंग्लिश था, इंग्लिश का जो लेवल लेवल को देखकर जो अच्छे लड़के थे उन्होंने 19 से 20 क्वेश्चन बना लिए थे नॉर्मली आराम से। मैथ में 17 से 18 क्वेश्चन बनने थे आराम से, रीजनिंग में 18 से 19, और जीके में अपने 12 से 13। इस इतना क्वेश्चन जो अच्छा स्टूडेंट था उसके बन रहे थे। ठीक है ना, इसमें दो से दो तरह की शिफ्ट होती है, एक हार्ड और एक इजी, एक मॉडरेट, ये 3 तरह की शिफ्ट होती है। तो हार्ड शिफ्ट अगर देखा जाए 12 से 13 नंबर का नॉर्मलाइजेशन उसको मिल सकता है, और इजी शिफ्ट वालों को देखा जाए तो 2 से 3 नंबर का, मतलब इतना तो कंफर्म है एसएससी में नंबर कम होते नहीं है। जो नॉर्मलाइजेशन होता है उससे हार्ड शिफ्ट वालों को 12 से 13 नंबर का आराम से नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है, और इजी शिफ्ट वालों को 2 से 3, और जो मीडियम शिफ्ट होती है उनको 5 से 6 6 से 7, जिस तरह का उसको पेपर होता है उतना उनको नॉर्मलाइजेशन मिल जाता है। तो इसी बेस पे देखते हैं कि किस तरह से अपना क्या रह सकता है। ठीक है ना, तो देखते हैं कट ऑफ के बारे में जानने के पहले अपन लास्ट ईयर के देखते हैं। तो 2020 2021 लास्ट 2 साल के देखते हैं, तो टोटल वैकेंसी कितनी थी 2020 में, 7,035, 2021 में 7,686, लगभग इतनी वैकेंसी थी। ठीक है ना, 2020 में कट ऑफ कितना 132, 2021 में कम होकर कितना आ गया था 130। ठीक है ना, ओबीसी का कितना रहा था अपना 119 2020 में, और 2021 का लेवल अच्छा था इसलिए उसमें कम हो गया था। ठीक है ना, 117। उसी तरह एक तो लेवल भी कम था, ऊपर से वैकेंसी भी ज्यादा थी, इसलिए देखो वैकेंसी से कितना इफेक्ट आ रहा है, 2 2 नंबर का केवल 600 वैकेंसी से 2 नंबर का इफेक्ट आराम से पड़ रहा है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देखो, दोनों दोनों में बराबर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की तादाद बढ़ती जा रही है धीरे धीरे।
बनवाते जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है। उसके बाद एससी में कितनी कितना डिफरेंस आया, 6 नंबर का डिफरेंस, केवल 600 वैकेंसी ज़्यादा बढ़ने से एससी में कितना ज़्यादा डिफरेंस आ गया। एसटी में देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है, और एक्स सर्विस मैन भी देख लीजिए, ठीक है ना। तो ये तो अपने लास्ट 2 ईयर के कट ऑफ थे, 2022 का अपन देखते हैं। वैकेंसी देखिए पहले, ये कितनी है, 7,000, और कितनी होगी, 37,000, लगभग 5 टाइम्स हो गई है कि नहीं। लगभग 5 गुना वैकेंसी बढ़ चुकी है इसमें। जब 5 गुना वैकेंसी बढ़ी है तो इसका इफेक्ट सीधे सीधे कट ऑफ पर पड़ने वाला है। तो कट ऑफ पर क्या पड़ने वाला है वो भी देखती है। देखिए जो 130 गया था, इससे तो डेफिनेटली कम जाना ही जाना है, कितना कम जाना है वो भी देखिए। तो जिसके भी नंबर आफ्टर नॉर्मलाइज 112 से 115 जनरल कैटेगरी में बनना है, वो अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दे। कितने, 112 से 115 रैंक आईक्यू के हिसाब से मैंने देखा है। अगर रैंक आईक्यू में नॉर्मलाइजेशन में और हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट का भी पता चल जाता है, तो जिसके जैसे 106 या 107 क्वेश्चन सही है, उसके आफ्टर नॉर्मलाइज 112 से 115 हो रहे हैं, तो अपने मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें, ठीक है ना। उसके बाद ओबीसी में अगर आपके कम से कम 105 से 108 नंबर तो होने चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइज, 105 से 108 नंबर आपके बनना है, तो आपको तैयारी जारी रखनी चाहिए, मेंस स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके लिए आपका रो स्कोर कितना होना चाहिए, लगभग 102 के समथिंग, या 101 भी हो सकता है, या 100 भी हो सकता है, इसके वो अपनी शिफ्ट के हिसाब से डिपेंड करता है किसके किस कितने हैं, ठीक है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस अब लोगों के बनने लगे हैं, तो ईडब्ल्यूएस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं जा रहा है, लगभग ओबीसी की समथिंग ही मान लो इसको, 103 से लेकर 104 लगभग अपने इतने नंबर बन रहे हैं। जो मेरा एनालिसिस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है रैंक आईक्यू पर औरों के नंबर देखे हैं उसके सभी से बता रहा हूँ, हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट के हिसाब से देख रहा हूँ। तो 100 नंबर अगर रो स्कोर बनना है आपका 100 नंबर के आसपास, तो आप इतने स्कोर में लेके चल सकते हैं। उसी प्रकार एससी में 95 से 98, इससे भी बहुत कम, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, इनका तो बहुत ज़्यादा हो गया। 80, वो 88 से लेकर 90 तक, अगर आपके इतना रो स्कोर बन रहा है एससी कैटेगरी से, तो निश्चिंत हो जाइए, आप मेंस की तैयारी कीजिए। अगर आपके 85 के समथिंग रो स्कोर और आफ्टर नॉर्मलाइज इतना हो रहा है, तो आपका गुड स्कोर है, आप मेंस में बैठोगे। उसके बाद एसटी में तो और ही कम जाएगा, लगभग 75 to 78 बना लो, अपना काम हो जाएगा, ठीक है ना। लगभग 72 तक रो स्कोर होना चाहिए, आफ्टर नॉर्मलाइज कितना होना चाहिए। और एक्स सर्विसमैन इनकी तो कम जाती ही जाती है, 48 to 50 अगर सही है, तो आप तो मेंस में बैठोगे ही बैठोगे। इनका रो स्कोर के बारे में क्या बताएं, इनका रो स्कोर में तो ज़्यादा बढ़ आगे पीछे होता नहीं है, 46 ही मान के चलिए, अगर इतने कम नंबरों में क्या आगे पीछे होगा, ठीक है ना। तो ये तो अपना कुछ कट ऑफ से रिलेटेड एनालिसिस। इस चैनल को सब्सक्राइब